Shri Sachidananda Sadguru Sai Nath Maharaj Ki Jai. Jai Sai Ram. Namaste dosto, main Samar Roy. आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ। तो आज का जो टॉपिक्स है ये है हाउ टू क्लीन द नॉइज़ ऑन वोकल ट्रैक। तो चलिए पहले इस गाने को सुन लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि इस गाने में जो वोकल ट्रैक है उसमें जो नॉइज़ है उसको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। चलिए सुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो गाना था एक्चुअली ये गाना फोक टाइप का है। और देखिए मैं यहाँ पे ये जो गाना आप सुन रहे हो इस वोकल ट्रैक को मैं सोलो करता हूँ। और इस गाने का अंदर जो है वो एक बार सुन लीजिए कि बीच में जो यहाँ पे म्यूज़िक आता है इसमें वोकल ट्रैक में कुछ नॉइज़ है, हेडफोन लीकेज जिसे बोलते हैं, तो नॉइज़ है। आप उस नॉइज़ को एक बार सुन लीजिए। तो तो आप सुन पा रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है, मैं जूम करता हूँ उसको, देखिए कुछ नॉइज़ यहाँ पे है ना, कुछ नॉइज़ यहाँ पे है, कुछ नॉइज़ यहाँ पे भी है। तो ये सब हम कैसे इसको रिड्यूस करें। ट्रैक तो इंटैक्ट रह जाएगा, ये जो ट्रैक है ये ट्रैक इंटैक्ट रह जाएगा, लेकिन आपको वो नॉइज़ सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए आपको जो करना है वो है कि आप ये जो मिक्स विंडो है आपका, मिक्स विंडो में आ जाइए। मिक्स विंडो में वोकल, फाइनल वोकल जो ट्रैक है उसको आप सोलो कर दीजिए। सोलो करने के बाद आप ये जो इंसर्ट सेक्शन है यहाँ पे एक्सपेंडर यूज़ कीजिएगा। मैं पहले से यहाँ पे एक एक्सपेंडर देके रखा हूँ, आप देखिए इसका जो सेशन है यह है एक्सपेंडर। आपको कैसे मिलेगा, आप जाइए वोकल एक्सपेंडर में, यहाँ पर आप दूसरा एक प्लगइन ले रहे हो जहाँ पे डायनामिक्स और डायनामिक्स थ्री एक्सपेंडर, एक्सपेंडर आपको लेना है। तो ये सामने आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें प्रीसेट लीजिए, आप एक प्रीसेट देखिए वोकल एक्सपेंडर है, वोकल एक्सपेंडर को चालू कर दीजिए। जैसे आप चालू करेंगे तो उसका लुक अहेड ये बटन आप दबा दीजिएगा और वोकल का जो लेवल है उसके लेवल के हिसाब से उसका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट जो है वो थ्रेशोल्ड पॉइंट को आप ज़रा एक बार ठीक कर लीजिए। तो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट ठीक कर लीजिए। और रेंज, इसका जो रेंज है ये -45 dB रहेगा। देखते हैं इसका रेंज कैसा आता है, मतलब कहाँ तक हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए एक बार देखिए यहाँ पे जब चल रहा है ये, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, गाना जब चल रहा है तो उसका छोड़ रहा है यहाँ पे नॉइज लेवल। जैसे कि ये बार यहाँ से कर्सर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसका नॉइज लेवल यहाँ पे शो करता है। तो थ्रेशोल्ड लेवल जो है
इसको थोड़ा सा और कम कीजिए, -28 dB करेंगे चलेगा। देखिए ये जो वोकल आपको मिलेगा उसी का जो प्रेशर है और उसका जो नॉइज लेवल है, ये आपको खुद को देख के तय करना पड़ेगा कि इसका थ्रेशोल्ड लेवल कहाँ तक रखा जाए और किसके बाद से इसका नॉइज़, मतलब कौन सा लेवल के बाद से ये नॉइज़ आ रहा है आपको, तो उसी नॉइज़ को पॉइंट आउट कीजिए। और उसका जो अटैक लेवल जो है 1 मिली सेकेंड रहेगा, ठीक है। और रिलीज लेवल अपने 420 की जगह में और भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, या थोड़ा सा हाँ ना 343 मिली सेकेंड या 326 मिली सेकेंड रहेगा, फिर भी चलेगा। अब देखिए इसका जो रेशियो है, रेशियो को अभी थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, इसका मतलब 3.6 या 3.7, 3.8, 3.7 ठीक रहेगा। सुनिए एक बार, देखिए ये जो नॉइज़ जैसे आ रहा है, मतलब वोकल प्रेशर जब ख़त्म हो जा रहा है तो उसके बाद ब्लैंक ब्लैंक एरिया आ रहा है यहाँ पे, ये ब्लैंक एरिया जब आ रहा है तो उसका नॉइज़ का जो लेवल है वो थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे है बहुत, और उसी को ऑटोमेटिकली सप्रेस कर रहा है गेन रिडक्शन। जो आपने रेशियो दे रखा है 3.7 dB अगर घुसेगा तो उसमें से 1 dB छोड़ेगा वो। आपको और अभी कुछ सुनाई दे रहा है, गल्प कोरी कहारे कबे पाबो ताहारे, आप यहाँ पे भी देखिए नदी पहाड़, कोई नॉइज नहीं है। तो ऐसे अगर मिक्स विंड में जाएंगे ना तो भी आपको कोई सिग्नल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा जहाँ पे वो साइलेंट हो गया है। अरे तो इस तरह से आप ये जो नॉइज़ है, वोकल जो नॉइज़ है, वोकल नॉइज़ को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप यह देखिएगा हर रूम का अलग अलग नॉइज़ लेवल होता है, तो उसी हिसाब से आप अगर इसको सेट करेंगे तो आपका वोकल ट्रैक जो है ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। मतलब आप बहुत ही आसानी से और सिंपल वे से आप आपका वॉइस का जो नॉइज़ है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते में, नमस्कार। Smoking, no cooking, no hot pot. I keep fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.